अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। बहुत सारी मेरा दिल चाह रहा था, आप लोगों से बातें करने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे बातें करती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगें। और इधर साथ में मैंने सोचा एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ, तो बैठती भी हूँ और साथ में बातें भी करती हूँ, चाय भी पीते जाते हैं। चलो चाय पीते हैं। पहले चाय कप पे निकाल लेती हूँ अपने लिए, फिर हम बातें करते हैं बैठकर। फ्रेंड्स, आज जो हम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है टॉपिक कोरोना वायरस का। सेम थिंग जो मैं एवरी सिंगल डे मैं आप लोगों को बता रही थी और बता रही हूँ, तो वही टॉपिक आज भी है मेरा। और मैंने सोचा कि चलो कुछ बातें खाली बातें ही करके आपको मैसेज में कुछ बातें बता देती हूँ कि जो कि बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा था कि आप लोगों को बतानी चाहिए। और मुझे लग रहा था कि जानते तो सभी कुछ होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग किसी से कोई बात सुन लेते हैं तो हो सकता है कोई इफ़ेक्ट करता है उससे। तो अच्छी बात है कि हम किसी के ज़रिए भी हमने ये बात अगर सुनी है तो हम आगे तक बहुत पहुँचा दें तो अच्छा होता है। तो सेम थिंग मैं भी इस तरह से करना चाह रही थी और आप लोगों से बोलना चाह रही थी, आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ तो सब कुछ शट डाउन हो चुका है, लॉकडाउन हो चुका है सब। न्यूयॉर्क में तो 3 वीक्स के लिए लॉकडाउन कर दिया है, हमारे लिए हमारे यहाँ 2 वीक्स के लिए करा है। तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। अननेसेसरी किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, इवन के हर रेस्टोरेंट, जिम और फास्ट फूड सब कुछ बंद कर दिया है। इवन के एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट्स में भी नहीं जा सकता, यानी कि स्टेट भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। चलो ये तो हो गई यहाँ की बातें, अब हम करते हैं बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में भी सेम थिंग हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त पब्लिक बहुत पैनिक कर चुकी है और पाकिस्तान की जो आवाम है इस वक्त में देख रही थी, न्यूज़ में देख रही थी, और कोई एक यूट्यूबर थे उन्होंने अपनी वीडियो लगाई थी, तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी कि लाइक ये जो ग्रोसरी स्टोर हैं इसके अंदर बेपनाह रश है और लोग इतना मतलब यानी कि उनको लोगों को और जो गाड़ियां हैं उन्होंने सारा रोड ब्लॉक करा हुआ है, मतलब यानी कि परेशानी एकदम से 2 गुना बढ़ गई है। तो फिर ये तो एक मसला और बढ़ गया है और लोग मतलब यानी कि ऑफकोर्स मैं तो शुरू से ही चाह रही थी कि लोग अपने अपने घरों में सारी ग्रोसरी सारा राशन भर के रखें, साथ साथ सबको लाइक अपनी फैमिली को सबको बोलती जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब कुछ करा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से करके कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो, इस तरह से नहीं कीजिए। और जैसा कि अगर ऑफकोर्स एक ख़तरनाक बीमारी है कोरोना वायरस, इस वक्त पूरे वर्ल्ड को इसके साथ बहुत मुश्किल का सामना है, अभी तक इसके वैक्सीन हमको नहीं मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग जीना तो इसके डर से छोड़ नहीं सकते ना। हम लोग तो अभी जिंदा हैं और हम लोग जिंदगी में चल रहे हैं, तो हम जिंदा लोगों की तरह हमको रहना चाहिए, ना कि खौफ से और डर से हम मर जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमको ये करना है कि हम अगर गवर्नमेंट कह रही है आपकी तो आप उसको सुनो। अगर आप हॉस्पिटलों में नहीं जाओ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, आप हॉस्पिटलों में नहीं जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में ही अगर इलाज कर सकते हो तो करो। अगर आपके घर में ग्रोसरी है, राशन है, तो आप नेबर में भी अपने ज़रूर पता करो कि कहीं वो लोग भूखे तो नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप लोगों के घर में राशन भरा हुआ है बहुत, लाइक आपने सोच लिया कि 1 महीने का 2 महीने का, तो लेकिन आप ये भी मेक श्योर करें कि जो आपके पड़ोस में है आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिए कि कोई और तो परेशान नहीं है, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो लोग रोज़ की मतलब रोज़ कमाते हैं और रोज़ घर में लाते हैं, फिर उनके घर का चूल्हा जलता है। तो प्लीज़ उन लोगों को मत भूलिए, क्योंकि उनके लिए किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इस तरह के लाइक गरीब खानदान होते हैं और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख के बैठे होते हैं, तो उनको किसी चीज़ से कोई सा भी वायरस हो उन लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करता। उनका वो लोग ये सोचते हैं कि आज हम बाहर जाएंगे, हम कमा कर लाएंगे तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से सबसे मैं हाथ जोड़ के और मिन्नत कर रही हूँ कि उन लोगों को नहीं भूलिए, उन लोगों को अपने साथ लेकर चलिए।
अगर हम लोग अगर सोचते हैं कि चलो हमारे पास कुछ है हमारी तरफ से, इनको एक टाइम का खाना भी अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया है कि हम किसी को दे सकते हैं, तो प्लीज़ उनकी भी मदद कीजिए साथ में। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दीजिए, क्योंकि जो एज 60 से ऊपर हैं उन लोगों को अगर इफेक्ट करता है तो वो लोग रिकवर नहीं कर पाते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप यंग हैं और अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, मतलब नानी दादी दादा दादी, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको अच्छे से रखिए और उनको बाहर नहीं जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप यंग हैं, आप अंडर 50 हैं, तो आप तो रिकवर कर जाएंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको हर चीज़ घर में आप अवेलेबल करके दीजिए। आप लोग भी कोशिश कीजिए घर में रहिए। अब तो गवर्नमेंट सिर्फ यही कह रही है, जो कि सारी आवाम पाकिस्तान की चाहती थी कि घर में बैठ के आराम से टीवी वॉच करें, तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में बैठिए, टीवी वॉच करिए, खाने खाइए, एंजॉय कीजिए, टीवी पर आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, ना कि कोई डिप्रेशन वाली कोई वीडियो देखिए, ना कि कोई, मतलब इस चीज़ को अब आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह इसके वैक्सीन भी हमें मिल ही जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि सिर्फ एक हमारा मुल्क नहीं पूरा वर्ल्ड इसके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक बुरा वक्त है, एक बुरा ख्वाब की तरह है जो गुजर जाएगा। जब हम लोग ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमको यकीन भी नहीं होगा कि इस तरह भी हुआ था कि पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो गया था, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया था। इतनी ज़्यादा, यानी कि एक जगह नहीं थी, एक कंट्री नहीं थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब कुछ था। तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं, कभी जब फ्यूचर में हमारे बच्चे, जब बच्चे बच्चों के बच्चे बड़े होंगे, तो वो देखेंगे, तो उनको सुनेंगे, तो वो लोग हैरत करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा दौर भी आएगा कि ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट इसके लिए आप लोग पैनिक नहीं करें, आप लोग खुश रहें और अच्छे से रहें, अच्छी अच्छी वीडियो देखें, अच्छा घर के अंदर सब एक दूसरे के हंसी मजाक के साथ अच्छा माहौल बनाकर रहिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग जानते हैं कि कोई पुअर है, कोई गरीब है, अगर उसकी आप मदद कर सकते हैं, जो कि नहीं चाहता कि उसकी मदद करो, तो खामोशी से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उनकी मदद कीजिए, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मदद करने वालों में से बनाया है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबकी हेल्प कीजिए और किसी के लिए मुश्किल बनने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारे यहाँ भी सेम थिंग हुआ है, हम सब लोग पैनिक हुए हैं, मैं इन सब में शामिल हूँ, लेकिन हमने अपना मतलब हमने अपना पेशेंट, क्या बोलेंगे इसको, कि हमने अपना, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग अब एकदम से ऐसे नहीं हो गए थे कि हम क्या करें, समझ मतलब, यानी कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल में कर और सबके साथ लाइनों में लग कर और एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके, साथ में पीछे आगे चलते रहे, और जो गवर्नमेंट बोलती है तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं हर चीज़ को। जैसा कि आप अभी अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं तो आपको लगेगा कि बाहर एक चिड़िया भी नहीं दिखेगी आपको, मतलब लाइक कर्फ्यू लग गया इस तरीके से। तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि हमारी, हम ये यूनाइटेड स्टेट है और कंट्रियां हैं, और वो सब कंट्रियां डेवलप हैं, पाकिस्तान इतनी मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर हम सबको मिलकर साथ चलना है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, और इवन गवर्नमेंट से ज़्यादा आवाम को एक दूसरे की मदद करनी है। सबको, आवाम को ज़रूरत है इस वक्त कि एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की हिम्मत बने, और कि अगर जब लोग मना कर रहे हैं कि 4-5 लोग एक जगह नहीं बैठे, तो प्लीज़ मत जाइए, उसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आप लोगों का नुकसान है। तो उसे, क्योंकि ये कोई वायरस ऐसा नहीं है जब आप टच करोगे तो होगा, ये वायरस ऐसा खतरनाक वायरस है कि आप उस, आपके पास से अगर कोई गुजर गया तो हवा में इसका असर होगा, और वो आप तक पहुंच गई तो आपके पास आ जाएगा। तो प्लीज़ इसीलिए मना कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर बैठिए और बाहर नहीं निकलिए, ये एक रीज़न है कि आपको मना कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से ही देखें, आप ईरान से सारा पाकिस्तान में आ गया, इटली अल्लाह माफ़ करे, वहाँ जैसा तो कभी सुना ही नहीं, जिस तरीके से कि जिस इटली में हुआ है। खैर मैं सिर्फ अभी यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में आप लोग
पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मतलब मैं हर ऐसी कंट्री की बात कर रही हूँ कि अगर देख रहे हैं कि आपके बरसात में कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी मदद कीजिए, कि ताकि आप भी अगर घर में अपने रहेंगे तो आपको सुकून रहेगा कि आपकी वजह से कोई और बहुत अच्छे से रहे, मतलब उसने पेट भर के खाना खाया है, तो आपको इसकी खुशी कितनी होगी इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बाकी अगर आप लोग जब किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको पैदा करा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाँ एक ये बात कह देते हैं कि बस हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ओ अल्लाह ने पैदा किया है तो एक टाइम मौत का है, तो मौत तो आनी है, ऑफ कोर्स मौत बरहक है, हम तो गेस्ट हैं इस दुनिया में, मेहमान हैं इस दुनिया में, हम तो अमानत है अल्लाह की, हम आए हैं दुनिया में, हमें मरना भी है, हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी दी है हमें जीने के लिए, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने एक दिमाग भी दिया है कि अपने आपकी आप हिफाजत करो, ना कि अपनी जाके बाहर निकल के और किसी को अल्लाह ना करे कोई वायरस है तो उसके पास जाके खुद इसको खुदकशी कहेंगे, ये खुदकशी में शामिल हो जाएगी, तो आप लोग इससे बचिए, अपने घर में रहिए, अपनी अपनी फैमिली की और अपने नेबरहुड की हिफाजत कीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वैक्सीन इसकी कोई इलाज नहीं है कि आप सारे मसाले खा लो, मतलब प्याज खा लो, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये खा लो, अगर ये खाने से हम लोग सही हो जाते तो आप लोग बताइए ना, हम लोग तो शुरू से ये चीज़ें खाते आ रहे हैं, फिर क्यों हमारी बॉडी में ये चीज़ आ गई, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चीज़ खा लेंगे, हाँ ये है कि थोड़े से दिन के अगर आपको लगता है कि आपको कफेंगे, जब आपको सबको पता है कि कफेंगे, आपको खांसी हो रही है, तो बताते हैं कि पेट में जाने से पहले, जो कि मैं खुद सुनती हूँ और देखती हूँ, तो पेट में जाने से पहले वायरस 4 दिन तक गले में रहता है, अगर आपको कफिंग है और आपको लग रहा है कि आपको खांसने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए प्लीज़, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, आपके पूरा ख़ानदान की ज़िंदगी आप लोगों से जुड़ी हुई है, और सिर्फ ख़ानदान की नहीं बल्कि आप जिस महल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, सबकी ज़िंदगी का ताल्लुक आपके साथ है, सबका कनेक्शन आपके साथ है, तो प्लीज़ अपने आप पर ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को इस वक्त इग्नोर नहीं कीजिए, और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अभी हम जिंदा हैं, तो इस ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी लें, घर में बैठें, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप घर में रहो तो घर में रहो, घर में रहो, टीवी देखो, खाने खाओ, फैमिली के साथ मिलो, अच्छे से बातें करो, नहीं ज़रूरत है तो किसी भी गैदरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक यही हल है, बाकी जैसा कि बताती हूँ कि हैंड वॉश करो, बार बार हैंड वॉश करो, शुरू से मैं आपको डे वन से बता रही हूँ कि बार बार हैंड वॉश कीजिए, तो अब प्लीज़ बार बार हैंड वॉश कीजिए, साथ में फेस वॉश भी कीजिए, क्योंकि हैंड वॉश कर लिया, खाना खा लिया, अगर हमारे फेस पे कोई जरासीम है वो तो हमारे पेट में चला जाएगा ना, तो फेस वॉश भी कीजिए, सिर्फ हैंड वॉश नहीं कीजिए, फेस भी वॉश कीजिए अच्छी तरीके से, साबुन से कीजिए, सैनिटाइजर को तो भूल जाइए, सैनिटाइजर तो हम लोगों के पास नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन साबुन तो है ना, साबुन तो कोई सा भी साबुन यूज़ कीजिए, ऐसा भी नहीं है कोई आप लग्जरी साबुन, कोई अच्छा वाला साबुन, कोई महंगा वाला साबुन यूज़ करें, जो भी साबुन अवेलेबल है, अगर कोई सस्ता वाला साबुन भी है वो और अच्छा होगा कि उससे हमारे हाथ के जरासीम और अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ हाथ भी धोइए, मुंह भी धोइए और साथ में अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स आज सिर्फ मेरे को आपसे यही मैसेज देना था, दोबारा से रिपीट करूँगी कि जो आपके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ फला जगह कोई शख्स है जो रहते हैं वो बहुत गरीब हैं और वो लोग डेली जाते हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, उन लोगों को इस वक्त नहीं भूलिए, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आगे पास कर दीजिएगा, इसके लिए मुझे, मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी, अगर अच्छा लगा हो तो आगे दे दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप कोई मेरे इस मैसेज से कोई एक बंदा भी अगर किसी की मदद कर देगा ना, तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई, तो थैंक्स यू, अल्लाह हाफिज़। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स के, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो ये करना नहीं भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, तो बहुत इमोशनल रहे, बहुत डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी चलो बात करके अच्छा लगा, थोड़ा सा दिल हल्का हो गया, सोचा आप लोगों को मैसेज दे दिया, तो
बहुत खुशी हो रही है साथ में, अल्लाह करे कोई एक बंदा इस पर अमल कर ले। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।